तो जरूरत के हिसाब से कंपनी जो है अपना प्रोडक्ट लॉन्च करती है, बट ये कोई जरूरी नहीं है कि वो उसमें बहुत अच्छा है। आपके लिए, आपके पर्पस के हिसाब से कौन सा ब्रांड अच्छा है, थोड़ा इन चीजों का भी ध्यान रखें कि जो बाहर की कंपनियां हैं वो एक क्या लॉन्ग रन के लिए यहाँ पे रहेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव राज चौहान स्वागत करता हूँ यूरिका टेक चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे कि डिजिटल बोर्ड, इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल, स्मार्ट बोर्ड जो इंडिया में अवेलेबल है, उसमें सबसे अच्छा ब्रांड कौन सा है, उनमें सबसे अच्छी कंपनी कौन सी है। बहुत सारी कंपनी का नाम आपने सुना होगा, LG, सैमसंग, सोनी, टाटा, मारुति, बेनक्यू, व्यू सोनिक, यूरेका। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं कौन सा ब्रांड जो है इंडिया में अवेलेबल है, जो बेस्ट है डिजिटल बोर्ड में और स्मार्ट क्लास सॉल्यूशंस में। तो जैसा कि आप जानते हैं, LG एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है, हर घर में प्रेजेंस है उसका, उसके ज्यादातर लोग जानते होंगे और ज्यादातर लोग घर में देखे होंगे। उसके फ्रिज आते हैं, टीवी आती है, एसी आता है, मोबाइल भी बनाती है, लैपटॉप भी बनाती है, और जी हाँ, डिजिटल बोर्ड भी आता है। वैसे अगर हम बात करते हैं सैमसंग का, तो सैमसंग का मोबाइल फोन आता है, सैमसंग का वॉशिंग मशीन आता है, सैमसंग की टीवी आती है, सैमसंग का लैपटॉप भी आता है, सैमसंग का डिजिटल बोर्ड भी आता है। वैसे अगर जब हम बात करते हैं टाटा की, अगर टाटा का नाम हमारे जहन में आता है तो क्या आता है? टाटा का नाम आते ही हमारे जहन में आता है कि वो ट्रक, बस, कार्स, कमर्शियल व्हीकल्स, ये सारे टाटा के नाम। तो एक्चुअली मैं ये जो नाम ले रहा था, इसलिए मैं नाम ले रहा हूं और कंपनी का, कि मैं ये आपको बता सकूं कि बेस्ट ब्रांड कौन सा है। मैं खुद नहीं बताऊंगा, ये आप बताएंगे हमें कि बेस्ट ब्रांड कौन सा है। मैं सिर्फ आपका इसमें हेल्प करूंगा कि इंडिया में जो डिजिटल बोर्ड की कंपनी है उसमें ब्रांड अच्छा कौन सा है, आपके लिए आपके पर्पस के हिसाब से कौन सा ब्रांड अच्छा है। हमने टाटा की भी बात कर लिया, मारुति, अब मारुति की बात करते हैं तो कमर्शियल ट्रक बस भी नहीं आएगा हमारे जहन में, कार्स आता है, जो अफोर्डेबल कार्स होता है। वैसे अगर हम यूरेका की बात करते हैं तो डिजिटल बोर्ड और स्मार्ट क्लास सॉल्यूशंस आएगा। वैसे अगर हम बात करते हैं व्यू सोनिक की, बेनक्यू की, तो ये प्रोजेक्टर प्रोवाइड करता है, मॉनिटर आता है हमारा बेनक्यू का, साथ ही साथ ये लोग भी डिजिटल बोर्ड प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए, जैसा कि मैंने आपको बताया है, मैं ब्रांड नहीं बताऊंगा, ब्रांड कौन सा अच्छा आपके लिए, आपके पर्पस के हिसाब से ये आप खुद डिसाइड करेंगे, उसमें मैं हेल्प करूंगा। तो जैसा कि मैंने कहा कि LG जो है, LG AC भी आता है, TV भी आता है, उसका फ्रिज भी आता है, वॉशिंग मशीन आता है, इसमें बड़ी रेनाउंड नेम है। रेनाउंड नेम होने के कारण LG ने अपना लैपटॉप भी लॉन्च किया, मोबाइल भी लॉन्च किया। क्या वो चला? मोबाइल लोगों की, हर घर की जरूरत है, हर लोग की जरूरत है। तो जरूरत के हिसाब से कंपनी जो है अपना प्रोडक्ट लॉन्च करती है, बट ये कोई जरूरी नहीं है कि वो उसमें बहुत अच्छा है। अगर नाम सुना हुआ है, नाम बड़ा है, तो हर प्रोडक्ट उसका चल जाएगा, हर प्रोडक्ट उसका अच्छा होगा। LG का लैपटॉप भी फेल हो गया, LG का मोबाइल भी फेल हो गया। वैसे डिजिटल बोर्ड भी बनाती है वो, डिजिटल बोर्ड भी अभी का डिमांड है, डिजिटल बोर्ड भी है, आप उसको एक्सपीरियंस करें, देखें। वैसे अगर टाटा की बात आती है तो क्या ध्यान में आता है? अगर ट्रक बस लेना है तो सबसे पहले टाटा, कार का भी आता है अपने जेहन में, डिजिटल बोर्ड नहीं। तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। वैसे ही अगर जब हम लोग बेनक्यू की बात करते हैं तो क्या आता है जेहन में? जेहन में आता है कि वो प्रोजेक्टर बनाती है, मॉनिटर देती है। प्रोजेक्टर और मॉनिटर का थोड़ा डाउन हुआ तो स्मार्ट बोर्ड भी कर रही है। आपको देखना है, आपको सोचना है कौन सी कंपनी कब से कर रही है और किस में फोकस्ड है। अब यूरेका टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करते हैं, तो यूरेका टेक्नोलॉजी एजुकेशन की इंडस्ट्री में 2016 से ये सर्विसेज प्रोवाइड करा रही है, स्मार्ट क्लास सॉल्यूशन रिलेटेड और कोचिंग्स लेवल पे, स्कूल्स लेवल पे। तो इसको बहुत अच्छे से पता है कि डिजिटल बोर्ड कैसा होना चाहिए, डिजिटल बोर्ड में कैसे फीचर्स होने चाहिए, किस तरीके से सर्विस कस्टमर को मिलनी चाहिए, कहाँ कहाँ क्या प्रॉब्लम्स आता है। अगर कोई हार्डवेयर रिलेटेड इश्यूज आ गया तो
तो इसमें अगर टाइम लगना है तो क्या उनका उतने दिन तक क्लास सस्पेंड रहेगा? अगर नहीं रहेगा तो उसके लिए क्या बैकअप प्लान होना चाहिए? बहुत सारी कंपनियां जो हैं इसमें कंसंट्रेट नहीं करती है, ये मार्केट का डिमांड है इसलिए वो करना शुरू कर देती हैं। बड़ा नाम है तो जरूरी नहीं है कि हर प्रोडक्ट उसका बेहतर होगा, लेकिन यूरेका है तो स्मार्ट क्लास सॉल्यूशन में वन ऑफ द बेस्ट कंपनी हो सकता है। ये आप हमें कमेंट में बताएंगे, जो हमारे कस्टमर्स हैं वो भी, जो नहीं है वो भी थोड़ा रिसर्च करें, देखें, और क्या आप बताएं कि जो हम बात कर रहे हैं, क्या हम जो आपको हेल्प कर रहे हैं इन चीज़ों को फाइंड करने में, वो सही है नहीं है। और आप भी हमें सजेस्ट कर सकते हैं कि और क्या पैरामीटर्स हो सकते हैं। वैसे अगर हम बात करते हैं सैमसंग की, सैमसंग का नाम आते एक बढ़िया मोबाइल फोन का आता है, टीवी में आता है, वॉशिंग मशीन आता है, फ्रिज आता है, उसका लैपटॉप भी आता है, बट उसमें बहुत कम लोग जानते होंगे, उसका डिजिटल बोर्ड भी आता है। आप एक्सपीरियंस करें, आप डिसाइड करें, ठीक है, कि क्या हमें जिस प्राइस टैग पे सैमसंग का पैनल मैं ले रहा हूँ वो यूरेका को कम्पीट करेगा, वो और भी एक्स वाई जेड ब्रांड को कम्पीट करेगा। बहुत सारी इंडिया में डिजिटल बोर्ड की वैसी कंपनी है जो चाइना से है, प्योर चाइनीज कंपनी है और अदर जगह से है। इन पे थोड़ा सा ऐसा है कि ये कंपनी मार्केट के डिमांड से वो प्रोडक्ट सेल करके फिर मार्केट से बड़ी जल्दी आउट हो जाती है, जब लगता है कि मार्केट थोड़ा सैचुरेट हो रहा है या अच्छा काम, अच्छा प्रॉफिट कमा लिया। थोड़ा इन चीजों का भी ध्यान रखें कि जो बाहर की कंपनियां हैं वो एक क्या लॉन्ग रन के लिए यहाँ पे रहेगी, जैसे कि फोर्ड बहुत बड़ा नाम है, इंडिया छोड़ के चली गई, शेवरोलेट जो ऑटोमोबाइल की कंपनी है इंडिया छोड़ के चली गई, फिर उनके जो गाड़ी के रिसेल वैल्यू है बहुत घट गया, पार्ट्स मिलना, बहुत पार्ट्स इनके महंगे हो गए हैं, सर्विसेज में बहुत इशू होती है। वैसे ही जब आप एक डिजिटल बोर्ड लेते हैं, ये लाखों का प्रोडक्ट है, महंगा प्रोडक्ट है, कोई भी अगर ले रहा है तो कम से कम 10 साल प्लानिंग करके ले रहा है, 10 ईयर्स का प्लानिंग करके ले रहा है। ऐसा ना हो कि कोई 3 साल 4 साल 5 साल में प्रोडक्ट उस लायक ना आ रहे हैं या वो कंपनी चली जाए, तो उसमें क्या होगा कि ओवरऑल अगर कंपेयर आप करेंगे कि वैसा प्रोडक्ट, वैसी कंपनी जो 10 साल तक उसके प्रोडक्ट या वो एंड जो उसका लाइफ एंड है, जो ड्यूरेबिलिटी है, तब तक वो आपको प्रोवाइड कर रहा है सर्विसेज और चीज़ें, और एक वैसी कंपनी जो कि आया प्रॉफिट मार्जिन के लिए, आपको ब्रांडिंग प्रमोशन से सेल करके निकल गया, तो उस बेसिस पे ये सब सारे पैरामीटर्स पे सोच के आप इजीली डिसाइड कर सकते हैं कि यूरेका बेस्ट है, एलजी बेस्ट है, सैमसंग बेस्ट है, सोनी का डिजिटल बोर्ड, जी नहीं, सोनी का डिजिटल बोर्ड नहीं आता है। सोनी का नाम अगर आता है ब्रांड का, तो सबसे पहले कैमरा, लेंस, सोनी का म्यूजिक सिस्टम्स, ऑडियो सिस्टम्स कमाल का है, सोनी का फोन भी आता था, कमाल नहीं कर पाया। तो जरूरी नहीं है कि बड़ा नाम है जो सुना है तो हर प्रोडक्ट उसका अच्छा ही होगा। तो इस बेसिस पे, इस पैरामीटर्स पे कि इस इंडस्ट्री में लंबे टाइम से कौन काम कर रहा है, कैसा किसका प्रेजेंस है, सिर्फ वो प्रोडक्ट दे रहा है या उसको पता है कि हमें कैसे अपने कस्टमर तक प्रोडक्ट के साथ साथ सेल करना, मतलब सिर्फ प्रोडक्ट दे देना नहीं होता है, उसके पर्पस को सॉल्व कराना, उसके साथ रहना, उसके हर प्रॉब्लम्स में, अप एंड डाउन्स में। अब जैसे मैंने अभी बताया कि डिजिटल बोर्ड चला गया, टेक्निकल फॉल्ट तो आएगा ही आएगा, अगर आया जनरली कंपनी का क्या, उसको इससे मतलब नहीं है कि 10 दिन आपका क्लास सस्पेंड है। वो 10 दिन अगर हार्डवेयर रिपेयर होने में लगेगा या 15 दिन या महीना दिन तो लगेगा, 15 दिन तक आप सस्पेंड, बहुत टफ हो जाता है एक टीचर को जो रेगुलर अगर डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं या बच्चे पढ़ रहे हैं फिर वो ट्रेडिशनल बोर्ड पे जाके पढ़ाए। इसका अल्टरनेटिव ऑप्शंस होना चाहिए जो यूरेका कंपनी आपको प्रोवाइड करती है, बट दूसरे उतने नहीं सोचते हैं। क्यों नहीं सोचते हैं? क्योंकि वो तो बस मार्केट का ट्रेंड था, डिमांड था डिजिटल बोर्ड स्मार्ट क्लास, इसलिए दे दिया। यूरेका आपको सिर्फ डिजिटल बोर्ड नहीं देती है, पूरा स्मार्ट क्लास सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। और जैसे कि अगर मारुति की बात करें, ऑटोमोबाइल में मारुति सेफ्टी रेटिंग कम होने के बावजूद भी ज्यादा क्यों बिकता है, इसका रीजन है। ये सारी बातें इसलिए डिस्कशन कर रहे हैं कि सारे पैरामीटर से आप डिसाइड कर सकते हैं मारुति क्यों ज्यादा बिकता है, क्योंकि उनकी सेल्स आफ्टर सर्विस
पैन इंडिया इतना बेहतरीन है, उसके बाद भी इतना अच्छा अप्रोच है, उसके बाद सर्विस नेटवर्क इतना बढ़िया है कि मतलब वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस आता है बिकॉज ऑफ दिस। तो ये वैल्यू क्रिएट करता है। तो वही देखना है कि कहां पे किसका होल्ड है, वो कस्टमर को कितना जो हमारे साथ एसोसिएट हो रहे हैं वो, जैसे अगर कोई अगर हमारे यहाँ यूरेका में अगर कोई बोर्ड लेता है, कोई भी सॉल्यूशंस लेता है, तो वो एक मेंबर बन जाता है हमारा। उसके साथ हम लोग हर वो चीज उस हिसाब से करते हैं ताकि उसको आने वाले टाइम में प्रॉब्लम्स ना हो। अगर कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, उस प्रॉब्लम्स को कैसे इजिली उसके कंफर्ट के हिसाब से बनाया जाए कि ज्यादा सर्वाइव ना करना पड़े। दिस इज द थिंग। इसलिए आज ब्रांड हम नहीं बताएंगे, ब्रांड आपको बताना है। ब्रांड आपको कमेंट में मुझे बताना है कौन से ब्रांड का कैसा एक्सपीरियंस रहा है जो डिजिटल बोर्ड यूज कर रहे हैं, या उस बेसिस पे आप बताइए कैसा है। अगर यूरेका भी कोई यूज कर रहा है वो बताएं, और बहुत सारे हमारे कस्टमर्स का रिव्यू भी हमारे चैनल पे पड़ा हुआ है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं, उन कस्टमर से इंटरेक्ट कर सकते हैं कि कैसा है। और आई होप कि आप कमेंट में बताएंगे कि आपका एक्सपीरियंस जो भी डिजिटल बोर्ड यूज कर रहे हैं उनका कैसा है, क्या लग रहा है और क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, इवन इन आवर कंपनी, इवन इन अदर्स कंपनी, सबके बारे में आप दीजिए। वो सारे कमेंट्स आपका पढ़ेंगे, और पढ़ करके एक अगला वीडियोज, नेक्स्ट वीडियोज, अगर आपका कमेंट आया, अच्छा वीडियोज का व्यू हुआ, तो मैं नेक्स्ट वीडियोज कोशिश करूंगा कि मैं बना के उस पर दूं आपके कमेंट के साथ, जो जो कमेंट्स आया, जिस रेशियो में आया है। थैंक यू।